Hi everyone, hope you all are doing great. Let's start with question number 10. And the students who are watching this video for the first time, please check the description below and download the file. Question number 10, अच्छा question है leave travel concession का. You understand what is leave travel concession? ये एक facility है जो हमें अपनी company की तरफ से, अपने employer की तरफ से मिलती है घूमने जाने के लिए. You can travel anywhere in India and the company will bear the travelling expenses. किस-किस के वो travelling expenses bear करती है? Obviously, assessee के plus उसके family members के. Family members में कौन-कौन आता है? Spouse, parents, dependent brother and sister and children. Children के ऊपर ये question है कि children कितने ले सकते हैं? अगर उनका date of birth 1/10/98 से पहले का हुआ है, I repeat, 1/10/1998 से पहले का है, तो number of children आप कितने भी ले जा सकते थे. But 1/10/98 के बाद population बढ़ गई है. But 1/10/98 के बाद सिर्फ दो children ही allowed है जिनका birth 1/10/98 के बाद हुआ है. So coming back to the question, जो children के बारे में है और यहाँ पर तीनों ही child 1/10/98 के बाद birth हुआ है, तो क्या तीनों child allow हो सकते हैं या सिर्फ दो child allowed होंगे? Depend करता है multiple births के ऊपर. देखिए, अगर पहले उसका एक single child था, उसके बाद multiple births हो गए, twins हो गए या triplets हो गए, तो they will be counted as one. I'm repeating, पहले अगर एक single child था, उसके बाद multiple birth हुए, तो they will be counted as one. तो केस ए में मिस्टर सोमेश जो असेसी था, उसकी एक डॉटर थी, उसके बाद दो सन ट्विंस पैदा हुए, दे विल बी काउंटेड एज वन, तो वहां पर तीनों ही अलाउड हो जाएंगे. और क्योंकि उसने ट्रैवल करा है अपने स्पाउस के साथ और अपने बच्चों के साथ, और तीन बच्चों में से बाद के दो बच्चे आर काउंटेड एज वन, और पूरा का पूरा ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा. बट सेकेंड केस में पहले से मल्टीपल बर्थ्स थे, पहले से असेसी को पता था यार उसके दो बच्चे हैं, थर्ड चाइल्ड अगर होगा तो वो अलाउ नहीं करेंगे. पॉपुलेशन भी बढ़ा रहे हो और एग्जम्पशन भी लोगे, बिल्कुल भी नहीं. तो यहाँ पर उसको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी बी पॉइंट में. इजी क्वेश्चन था, मैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ. सबसे पहले आप एलटीसी के बारे में थोड़ा सा लिखिए कि एलटीसी एक्चुअली क्या होता है और कितने बच्चों तक के लिए वो अलाउड होगा, और फिर केस ए और केस बी को डिस्कस कीजिए. आई होप ये आज का होमवर्क आप जल्दी से कर पाएंगे. जिन स्टूडेंट्स ने, सिर्फ वीडियो देखने से काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा, यू हैव टू एक्चुअली प्रैक्टिस इट बाय राइटिंग. अगर आप लिख कर इसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, बेटा सिर्फ दो क्वेश्चन ही तो है, आधा घंटा लगता है, जल्दी से कर लिया करो. मैं रोज लेक्चर नहीं दूंगा. बाय बाय, टेक केयर.